फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्राइम ब्रांच ने आज दो चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए चोर केवल इको गाड़ियों को ही अपना निशाना बनाते थे और उनके नंबर और चेसिस नंबर बदलकर उन्हें बेच दिया करते थे। सर, दो आरोपियों को पकड़ा है पुलिस ने, क्या सारा मामला? मामला ये है, नदीम नाम का एक चोर है जो फतेहपुर तगा का है। ये बहुत शातिर चोर है, पहले भी इस ये गाड़ियाँ चोरी करता था। इसके ऊपर हमारी टीम की नज़र थी और टीम हमारी लगी हुई थी। 19/4 को हमारी टीम ने बाटा पुल के पास इसको चोरी की गाड़ी सहित काबू किया। गाड़ी के कागज पूछे तो इससे कोई कागज नहीं दिखा पाया, तो उसके ऊपर नंबर प्लेट भी फेक लगा रखी थी इसने। तो उस गाड़ी का हमने मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दर्ज करके और इसको 20 तारीख को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस रिमांड पर लेकर हमने इसे गहनता से पूछताछ की, तो उसने गहनता से पूछताछ पर इसने 10 गाड़ी और बरामद कराई है, इको कार, जो इसके साथ विमल नाम का लड़का है ये इसके साथ ही रहता है। ये दोनों मिलकर चोरी करके और गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर पर ग्राइंड पर मार देते हैं और उन पर दूसरा नंबर लिखकर और उनको किसी अलग से किसी और को बेचने की फिराक में रहते हैं। तो अभी तक इन्होंने ये बेची नहीं थी, जो चोरी की हुई गाड़ियाँ थी ये हमने 11 गाड़ियाँ इनसे बरामद कर ली। सर, किस इलाके से ये गाड़ियों को निशाना बनाते थे? लगभग ये पहले कोशिश करता है, पहले तो ये इसने फरीदाबाद की गाड़ियाँ चोरी करती जब पहले गिरफ्तार हुआ था, लेकिन अब इसने लगभग दिल्ली की गाड़ियाँ ज़्यादा चोरी कर रखी है। मनसा का आखिर इको गाड़ी ही क्यों, और भी गाड़ियाँ? इसका सॉफ्ट टारगेट है इको गाड़ी का, ये उसको खोलने में इसको थोड़ी सी आसानी, इसने थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसका और उस गाड़ी को खोलने में थोड़ा सा बहुत जल्दी खोल लेता है, उसको ले आता है। अपनी गैराज भी बताई जा रही है, वहीं करता था कि सर काम? उसके पास बालियावास गाँव है एक गुड़गांव रोड पर, वहाँ पर एक दुकान थी इसकी विमल की, उसी दुकान के ऊपर ये ग्राइंडर मार के इनको ये नंबर ऊपर चेंज करते थे। तो पुलिस और कुछ पता लगा पाई अब तक, कितने मामले इन पर थे पहले? अभी तो ये 11 गाड़ियाँ ही बरामद हो पाई है, इनकी गाड़ियाँ हमने लेकर इनके इंजन नंबर चेसिस नंबर का और देख कर हम गहनता से जांच कर रहे हैं और वैसे इसकी निशानदेही भी हमने दिल्ली कराई है, वहाँ भी पुलिस को इन्फॉर्म किया है। पुलिस तरफ से क्या कार्रवाई आगे इसमें की जाएगी? आगे इसमें कार्रवाई यही जो इसके इंजन नंबर चेसिस नंबर मिलने के बाद में और इनके केस रजिस्टर करके आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। नदीम। नदीम कहाँ का रहने वाला है? फतेहपुर तगा का। पुलिस ने पकड़ा है, क्या मामला है? गाड़ी चोरी। गाड़ी चोरी, कौन सी गाड़ी चोरी की है? इको चोरी। इको, कितनी गाड़ियाँ चोरी की है आपने? 10 से ऊपर है जी, गिनती ना आ रही। अच्छा, सारी इको गाड़ी चोरी करी? हाँ जी। अच्छा, कब से कर रहे हो इस काम को? हो गए जी 2-3 साल। 2-3 साल, क्या करते हो चुरा करके? क्या करते हो चुरा करके? उसको चुरा के दुकान पर ले आते और उसके बाद उसमें चेसिस नंबर इंजन नंबर बदल के रोड पर बेचने के लिए अपनी दुकान पर खड़ी करते। कितने गाड़ियों बेच चुके थे अब तक इस तरीके से करके? बेचने के लिए खड़ी कर रखी थी जी, एक गाड़ी में पकड़ ली। आइडिया कहाँ से आया? आइडिया जी बस ऐसी सीख लिया था। कितने लोग हो तुम इस काम में? 2-3। 2-3। दूसरे का नाम क्या है? विमल। ये कहाँ का रहने वाला? ये गुड़गांव बादशाहपुर का, ये मारुति के नाम। अब तक कहाँ कहाँ से निशाना बनाया गाड़ियों को इस तरीके से? गाड़ी तो जी दिल्ली से ज़्यादा करके करी है, फरीदाबाद से करी। अच्छा, तो कहाँ ले जाते थे ना चेसिस नंबर बदलने के लिए? अपनी गैराज के लिए। कहाँ है आपकी गैराज? ये गुड़गांव रोड। अच्छा, तो अब पुलिस ने पकड़ा, कोई पछतावा है? पछतावा है। जब ऐसे इस काम को करते क्यों थे तुम? मजबूरी थी। मजबूरी क्या? बस ऐसे बच्चे बीमार रहे, कमाई साधन है। अच्छा, तो नशे वशे की लत है क्या? ना। अब कोई पछतावा है आपको? पछतावा आगे से नहीं है।